माही यश की बातें इग्नोर करने लगी और फिर उसने उसका कोट उतार दिया। फिर माही ने देखा कि यश ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जो खून से लथपथ हो चुकी थी। ये देखकर माही के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने यश से कहा, तुम्हारा तो बहुत खून निकल रहा है। यश शिंदे ने फिर अपने हाथ की तरफ देखा और उसने परेशान लगते हुए कहा, अब ये क्या बवाल है? पास में खड़े एक इंसान ने घबराहट के मारे चिल्लाकर कहा, ओह माय गॉड, मिस्टर यश को तो बहुत चोट लगी है, कोई प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ। माही खुद को काम डाउन करने की कोशिश करने लगी मगर उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक कबीर ओबेरॉय भीड़ के बीच में से निकलते हुए माही के पास गया और उसने माही की ये हालत देखकर उसे पूछा, माही क्या बात है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? माही ने फिर कबीर ओबेरॉय की तरफ देखकर उसे पूछा, कबीर आज तुम अपने साथ कौन सी गाड़ी लाए हो? कबीर ओबेरॉय ने फिर कंफ्यूज लगते हुए माही से कहा, अपनी रेड कलर की स्पोर्ट्स कार लाया हूँ, मगर क्यों? माही ने फिर यश की उठने में मदद की और फिर उसने कबीर से कहा, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। कबीर ने कंफ्यूज लगते हुए माही से पूछा, क्या कहा तुमने? माही ने घूर कर कबीर की तरफ देखकर कहा, जल्दी करो। माही का ऐसा बर्ताव देखकर कबीर ओबेरॉय घबरा गया। वहीं पास में कहीं माया मुखर्जी ने देखा कि किस तरह यश ने अपनी जान पर खेलकर माही की जान बचाई और जलन के मारे उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। माया ने मन ही मन में कहा, चुड़ैल कहीं की, उसने मेरे यश को इस हद तक पागल बना दिया है कि वो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाने के लिए तैयार हो गया। वो अपनी कीमती जान उस दो कौड़ी की लड़की के लिए गंवाने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरी तरफ माही ने जल्दी से यश को कबीर ओबेरॉय की गाड़ी में बिठाया और फिर उसने कबीर को ऑर्डर करते हुए कहा, जल्दी से पास वाले हॉस्पिटल की तरफ चलो और गाड़ी को थोड़ा तेज चलाना। कैमरा पर जो मेटल स्टैंप लगी हुई थी वो यश के नेक पर पीछे की तरफ लग गई जिसकी वजह से उसका खून बहता ही जा रहा था। माही ने जल्दी से अपनी ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ा और फिर तुरंत यश के घाव पर पैच करने लगी और उसे जोर से प्रेस करने लगी। इसके साथ ही साथ माही कबीर ओबेरॉय को भी प्रेशराइज करते हुए कहने लगी, कबीर ये तुम क्या कर रहे हो, तेज चलाओ और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो निकल जाओ यहां से। माही की कही ये बात सुनकर कबीर ने इरिटेटेड लगते हुए कहा, किसने कहा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं ऑलरेडी बहुत तेज चला रहा हूँ। कबीर ओबेरॉय ने फिर मन ही मन में कहा, आखिर ये मुझसे पूछ कैसे रही है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। मगर माही उसे जोर लगाने लगी और उसने कबीर ओबेरॉय से दोबारा कहा, रेड लाइट्स को इग्नोर करो, अगर आसपास कोई नहीं है तो सबको ओवरटेक भी कर लो और जल्दी चलो। जब कबीर ने अपने रियर व्यू मिरर से माही की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। कबीर ओबेरॉय ने आज तक माही को इतना नर्वस होते हुए नहीं देखा और फिर उसने रूडली माही से पूछा, एक मर्द के लिए तो यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है, आखिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? माही ने सीरियस लगते हुए जवाब में कहा, मुझसे बात करना बंद करो और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करो। कबीर ओबेरॉय को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, उसने मन ही मन में कहा, मैं नहीं तुम मुझे परेशान कर रही हो, हम दोनों ही तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड हैं, मगर तुम हम दोनों को ही अलग अलग ट्रीट क्यों कर रही हो? बैक सीट से यश चुपचाप माही को परेशान लगते हुए और पसीने से लथपथ होते हुए देख रहा था और फिर उसने मुस्कुराकर माही से कहा, तुम जो कहती हो वो कभी मीन क्यों नहीं करती, तुमने तो अभी कुछ देर पहले ही मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। माही अपनी उंगलियों के बीच से यश के खून को निकलते हुए देख रही थी और फिर उसने जवाब देते हुए यश से कहा, मुझे बस अपने ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। इस बात से यश के चेहरे का एक्सप्रेशन काला पड़ गया। फिर उसने पीछे की तरफ लीन करते हुए माही से कहा, हाउ रूड, क्या तुम एक बार के लिए भी मेरी बात नहीं मान सकती? माही ने फिर यश की डांट लगाते हुए उससे कहा, अपना मुंह बंद रखो और कुछ मत कहो, अपनी थोड़ी सी एनर्जी बचा लोगे तो बेहतर होगा। जब कबीर ओबेरॉय ने उन दोनों की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन में कहा, इस यश के बच्चे के लिए माही का एटीट्यूड, क्या ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही? माही का ये एक्स बॉयफ्रेंड वाकई में बहुत डरावना है। फाइनली वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। माही जल्दी से यश को अपने साथ इमरजेंसी रूम के अंदर ले गई। कबीर ओबेरॉय ने अपनी गाड़ी पार्क की और वो उन्हें फॉलो करने ही वाला था मगर तभी अचानक उसने अपनी गाड़ी के बैक सीट की तरफ देखा और वो दंग रह गया। उसने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, व्हाट द हेल, उसे तो सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी थी मगर यहाँ इतना सारा खून क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि कबीर ओबेरॉय थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया मगर इस वक्त उसके पास इतना कुछ सोचने का वक्त नहीं था और वो तुरंत उन दोनों के पीछे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जब कबीर ओबेरॉय को वो दोनों मिले तब तक यश पहले से ही ट्रीटमेंट रूम के अंदर चला गया था। माही बाहर बैठे काफी घबराई हुई लग रही थी और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन पर बात करते हुए माही ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, शहर के गुड हेल्थ हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में है, ठीक है जल्दी आ जाओ। कबीर ने देखा कि माही के हाथ और उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे, यहां तक कि हॉस्पिटल के फ्लोर पर भी खून भरे पैरों के निशान थे। कबीर इस बात से काफी हैरान लग रहा था और उसने माही की तरफ देखकर पूछा, ओह माय गॉड माही, आखिर क्या हुआ है, क्या उसे कहीं और भी चोट लगी है? मेरा मतलब इतनी छोटी सी चोट के लिए उसका खून कुछ ज्यादा ही बह गया है। माही धीरे से पास वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। वो काफी थकी हुई लग रही थी और उसने परेशान लगते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा,
यश को कोआग्लियोपैथी है। इस प्रॉब्लम में अगर पेशेंट का एक बार खून निकलना शुरू हो जाए तो वो बंद नहीं होता। इसके अलावा एक ऐसी बात भी थी जो कि उससे ज्यादा भयानक थी, मगर माही ने कबीर को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। माही का जवाब सुनने के बाद कबीर ओबेरॉय अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर माही इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी। कबीर ओबेरॉय इस डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता था, क्योंकि उसका भी एक ऐसा दोस्त था जिसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही थी। आमतौर पर वो काफी नॉर्मल ही लगता था, मगर एक बार अगर उसका खून निकलना शुरू हो जाए तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। वक्त गुजरता रहा और एक लंबे समय के बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर उस कमरे से बाहर निकले और उसने माही की तरफ देखकर कहा, पेशेंट का खून बहुत ज्यादा ही बह चुका है, दवाई की मदद से भी उनका खून नहीं रुक रहा, और तो और पेशेंट का ब्लड आरएच नेगेटिव है, एबी टाइप में, और इस टाइप का ब्लड इस वक्त हमारे ब्लड बैंक में बहुत कम है, और अगर हमने शहर के हर ब्लड बैंक से इस टाइप का ब्लड कलेक्ट कर भी लिया तब भी इस कंडीशन में पेशेंट के लिए खून कम पड़ जाएगा। डॉक्टर की कही ऐसी बात सुनकर कबीर ओबेरॉय ने कंफ्यूज लगते हुए कहा, क्या आरएच नेगेटिव? ये तो काफी रेयर ब्लड टाइप है ना? कबीर ओबेरॉय ने फिर मन ही मन में कहा, ना ही सिर्फ यश को कोएग्लियोपैथी डिसऑर्डर है बल्कि उसका ब्लड टाइप भी इतना रेयर है, इस आदमी की किस्मत कितनी खराब है। माही को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हो रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। उसने घबराते हुए नर्स की तरफ देखकर कहा, मेरी एक दोस्त है जो एक्यूपंक्चर की मदद से खून को बहने से रोक सकती है, और वो अभी रास्ते में ही है। इस वक्त एनी माही के घर पीचवुड विला में थी और उसे वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एक घंटा लग सकता था, और ऐसे में अगर वो वहां पर पहुंच भी जाए तो एक्यूपंक्चर का इफेक्ट काफी लिमिटेड रह जाएगा। अब यश को जिंदा रखने के लिए और उसका वक्त बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो खून का इस्तेमाल करना था। मगर उसका ब्लड टाइप काफी रेयर था, और अगर उसकी ब्लीडिंग रोकने से पहले उसका खून खत्म हो गया तो हैमरेज की वजह से उसकी जान जा सकती थी। हॉस्पिटल वाले किसी तरह दूसरे हॉस्पिटल से जल्द खून ट्रांसपोर्ट करने का इंतजाम कर रहे थे, और तभी उसी वक्त एनी और टिम माही के पास आ पहुंचे। शुरू में तो डॉक्टर ने एनी को अंदर जाने नहीं दिया, मगर टिम ने डॉक्टर के साथ नेगोशिएट किया और फिर उन्होंने एनी को अंदर अलाउ कर लिया। माही काफी परेशान लगते हुए बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा माही के चेहरे का एक्सप्रेशन बद से बदतर होता रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस ब्लड टाइप के लोग काफी रेयर थे, और शायद इस शहर में ऐसे लोग ज्यादा होंगे भी नहीं। कुछ के नाम तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी मेंशन नहीं होंगे। टिम ने डॉक्टर से बात करने के बाद माही की तरफ देखकर उससे पूछा, माही क्या हुआ था? माही ने घबराकर टिम की तरफ देखते हुए उससे कहा, कैमरा काफी ऊपर से नीचे गिरने वाला था, वो मुझे बचाने के लिए सामने आ गया। ये कितना बेवकूफ है, क्या उसे अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं पता? आखिर वो इस तरह का शो ऑफ करने की कोशिश क्यों कर रहा था? टिम ने माही की तरफ घूर के देखकर एक गहरी सांस ली, और फिर उसने मन ही मन में कहा, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। जब उन्होंने ये देखा कि उनका चहेता इंसान खतरे में था, तो हालांकि वो ये बात जानते थे कि ऐसा कुछ करने से उनकी जान को खतरा हो सकता था, मगर वो ना चाहते हुए भी चुप नहीं बैठ पाए। ट्रीटमेंट रूम का दरवाजा दोबारा खुला, और इस बार नर्स बुरी खबर के साथ बाहर निकली। उसने सबसे कहा, उनका खून पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर वक्त के साथ कम होता जा रहा है, क्या आप किसी को जानते हो जिनका ब्लड टाइप पेशेंट से मैच करता हो? माही के चेहरे का रंग उड़ गया और वो लाचार लगते हुए अपने आसपास देखने लगी। तभी अचानक उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस इंसान ने नर्स से कहा, मेरा खून ले लो। माही ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसने सरप्राइज लगते हुए कहा, विक्रम आप? जब नर्स ने विक्रम ओबेरॉय की कही बात सुनी तो उसने तुरंत उस आदमी की तरफ देखकर कहा, तो फिर आप जल्दी से अंदर आ जाइए, क्योंकि वहां एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, तो इसीलिए विक्रम ओबेरॉय के पास माही को कुछ भी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने माही की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद विक्रम ओबेरॉय नर्स के पीछे पीछे ट्रीटमेंट रूम के अंदर गया। टिम ने विक्रम ओबेरॉय को रूम के अंदर जाते हुए देखा और उसके चश्मे में एक तरह की चमक सी दिखाई दी। कबीर ओबेरॉय काफी सरप्राइज लग रहा था, उसे इस बात की खबर ही नहीं थी, और उसने कंफ्यूज लगते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा इत्तेफाक, मेरे अंकल का ब्लड टाइप यश के ब्लड टाइप से मैच करता है। ये खबर माही के लिए भी नई थी। वो इमरजेंसी रूम के दरवाजे की तरफ देखती रही। उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि विक्रम ओबेरॉय अचानक हॉस्पिटल आ जाएगा और इत्तेफाक से उसका ब्लड टाइप यश के ब्लड टाइप को मैच करेगा। यश और विक्रम दोनों ट्रीटमेंट रूम के अंदर थे और माही बाहर वाले बेंच पर बेसब्री से इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। कबीर ओबेरॉय टिम के पास था, जो कि कॉरिडोर के पास खड़े होकर किसी को फोन कॉल कर रहा था। वहां का माहौल काफी गर्म हो रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वहां मौजूद उन लोगों को घुटन सी हो रही थी, और फिर बहुत देर के बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा दोबारा खुला। माही तुरंत उठकर खड़ी हो गई और उसने तुरंत जाकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या खबर है? डॉक्टर, जिसने अपना व्हाइट कोट पहना हुआ था, उसके पसीने छूट रहे थे और उसने थकान के मारे जवाब देते हुए माही से कहा, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है। उसके बाद एनी भी कमरे से बाहर निकली
और वो भी पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी। उसके कपड़ों पर खून के कुछ धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। उसने माही की तरफ देखकर उससे कहा, माही ब्रो परेशान मत हो, थैंक्स टू मिस्टर ओबेरॉय, यश अभी ठीक है। दो नर्स मिलकर यश शिंदे को एमरजेंसी रूम से व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले आए और वो रिकवरी रूम की तरफ चले गए। माही की परेशानी फाइनली तब जाकर थोड़ी सी कम हुई जब उसने देखा कि यश इस वक्त बिल्कुल ठीक था, मगर वो फिर से बहुत ज्यादा ही नर्वस लगने लगी। वो एमरजेंसी रूम के अंदर झांकने लगी और उसने पूछा, विक्रम कहाँ है? तभी अचानक उसने देखा कि कोई कमरे से बाहर निकल रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम ओबेरॉय था। शायद क्योंकि विक्रम के शरीर से ज्यादा खून निकाला गया तो इसीलिए उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। विक्रम ने पहले से ही अपना कोट निकाल दिया था और इस वक्त वो अपनी व्हाइट शर्ट पहने अपनी स्लीव्स को ऊपर रोल किए हुए खड़ा था। जहां से विक्रम का खून निकाला गया वो उस स्पॉट पर अपनी एक उंगली दबाए खड़ा हुआ था। ये देखकर माही जल्दी से उसके पास गई और उसने विक्रम से पूछा, विक्रम आप ठीक तो हो ना? क्या आपको कमजोरी महसूस हो रही है? जब विक्रम ने देखा कि उसका खून रुक गया तो उसने उस कॉटन बॉल को अपने हाथ से फेंक दिया। उसके बाद विक्रम ने माही के बाल सहलाते हुए उससे कहा, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। माही ने फिर ध्यान से विक्रम ओबेरॉय का हाथ पकड़ा और उसने उससे पूछा, आपको कैसे पता चला कि आज सेट पर क्या हुआ था? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए माही से कहा, शेरा ने मुझे कॉल किया था। अच्छा तो ये बात है। फिर माही ने देखा कि विक्रम ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी पेल लग रहा था और इस बात से माही को बहुत बुरा लग रहा था। उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, मैं आपके लिए हेल्दी खाना बनाऊंगी और ठीक होने में आपकी मदद करूंगी। कबीर ओबेरॉय बहुत नाराज लग रहा था क्योंकि वो माही और यश को अपने साथ हॉस्पिटल लाया था, मगर माही उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी बल्कि वो सिर्फ विक्रम की चिंता कर रही थी। कबीर ने फिर माही की तरफ देखकर उससे कहा, और मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे लिए ड्राइवर भी बन गया और अब मेरी गाड़ी में सिर्फ खून ही खून भरा हुआ है। कबीर ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, ये लड़की अपने करंट बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है मगर मुझे तो एक कुत्तों जैसा ट्रीट करती है। कबीर की कही ये बात सुनकर माही ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और फिर उसने कबीर को देते हुए कहा, थैंक यू कबीर, तुम मेरी गाड़ी यूज कर सकते हो, तब तक मैं तुम्हारी कार रख लूंगी। सीरीज की शूटिंग खत्म होने के बाद मैं उसे बेहतर कंडीशन में तुम्हें लौटाऊंगी। माही की कही ऐसी बात सुनकर कबीर ओबेरॉय को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, मगर वो फिर भी थोड़ा सा निराश लग रहा था। कबीर ना ही सिर्फ विक्रम ओबेरॉय की बात से लेकर निराश था बल्कि वो इस बात से भी नाखुश था कि माही यश के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। जो फीलिंग्स कबीर इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा था वो ऐसी फीलिंग थी कि वो जानता था कि वो किसी से बेहतर है, मगर फिर भी उसे दूसरे इंसान से जलन हो रही थी। एनी यश के पीछे रिकवरी रूम के अंदर गई और टिम विक्रम ओबेरॉय के पास गया। उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे मगर उसने विक्रम ओबेरॉय से सिर्फ इतना कहा, मिस्टर ओबेरॉय आपकी मदद के लिए थैंक यू। विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, माही की परेशानी मेरी परेशानी है। रिकवरी रूम के अंदर यश ज्यादा वक्त के लिए बेहोश नहीं था, आफ्टर ऑल उसकी चोट बहुत छोटी थी तो इसीलिए खून के रुकने के बाद वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। जब यश बेहोश था तो वो काफी पीसफुल लग रहा था। उसके सॉफ्ट सिल्वर कलर के बाल उसके फोरहेड को और उसकी लेफ्ट आंख को कवर कर रहे थे। उस वक्त वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था जो कि उसके यूजुअल एरोगेंट वाइब से बहुत ज्यादा अलग था। मगर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वो दोबारा अपने यूजुअल सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया। यश तुरंत अलर्ट हो गया और वो अपने आसपास देखने लगा। जब उसने अपने बेड साइड पर माही को देखा तो उसका प्लेफुल अंदाज वापस लौट आया और उसने माही से कहा, तो मैं इस बार भी जिंदा बच गया। माही ने यश की तरफ घूरते हुए देखकर उसे कहा, प्लीज कम से कम हॉस्पिटल में तो मरने और मारने की बात मत किया करो। यश ने निराश लगते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है। माही ने हैरान लगते हुए यश से पूछा, इसका मतलब तुम्हें इस बात पर अफसोस हो रहा है कि तुम मरे नहीं हो? यश ने फिर माही की तरफ चमकती हुई आंखों से देखकर उससे कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा हाल कैसा होता। यश की कही ये बात सुनकर माही बिल्कुल चुप रही और उसने मन ही मन में कहा, ये आदमी बिल्कुल पागल है। फिर यश ने काफी खुश लगते हुए माही की तरफ देखकर उससे कहा, माय डियर मैंने फिर से तुम्हारी जान बचा ली। यश की कही ये बात सुनकर माही ने इरिटेटेड लगते हुए उससे कहा, मुझे फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। माही ने मन ही मन में कहा, काश इसकी जगह पर मुझे चोट लग जाती। यश ने माही से कहा, मगर जो भी हो तुम्हारे लिए मैंने अपना इतना खून बहा दिया तो क्या तुम इसके बदले में यहां रहकर मेरा ख्याल भी नहीं रखोगी? माही को लगा कि इस बार यश फिर से फालतू की रिक्वेस्ट करेगा जिसकी वजह से माही उसे मना करने के लिए तैयार बैठी थी, मगर क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट काफी रीजनेबल और नॉर्मल थी तो इसीलिए माही को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे में उसे क्या जवाब दे। मगर इससे पहले कि माही कोई जवाब दे पाती यश पहले से ही मुस्कुराते हुए माही को रिक्वेस्ट करने लगा और उसने माही से कहा, माय डियर प्लीज मेरे लिए एक एप्पल छील दो। यश का ऐसा बर्ताव देखकर माही इरिटेटेड लगने लगी। फिर उसने यश के कंधों पर लगे बैंडेजेस की तरफ देखा
और उस पर लगे खून के धब्बे की तरफ देखा। उसके बाद वो एप्पल उठाने के लिए गई, मगर इससे पहले कि वो एप्पल काट पाती तभी अचानक पीछे से उसने किसी के हाथ को देखा। विक्रम ओबेरॉय अचानक वहां आया और उसने माही के हाथ से एप्पल और चाकू ले लिया। उसने माही की तरफ देखकर कहा, ये मैं कर लूंगा। यश विक्रम ओबेरॉय की तरफ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखने लगा। विक्रम ओबेरॉय वाकई में बहुत ज्यादा स्किल्ड था। उसने एक ही पल में एप्पल को पील कर दिया। उस पील्ड एप्पल को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल शेफ ने उस एप्पल को अपनी परफेक्शन के साथ पील किया था। विक्रम ओबेरॉय ने बेड पर लेटे उस पेशेंट को एप्पल देते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहा, माही का जो भी कर्ज है वो मैं चुकाऊंगा। जब माही ने विक्रम की कही ये बात सुनी तो उसके मन में कई सारे इमोशंस जगने लगे और वो प्यार से अपने स्वीट हार्ट की तरफ देखने लगी। बेड पर लेटे यश ने विक्रम की तरफ घूर कर देखा। वो काफी खड़ूस लग रहा था, मगर उसने अपने चेहरे पर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं दिखाई। वो विक्रम के हाथ में रखे उस एप्पल की तरफ देखने लगा और फिर उसने विक्रम से कहा, मैं एप्पल सिर्फ तभी खाता हूं जब उसे कोई खरगोश के शेप में कट करके मुझे देता है। यश का ऐसा बर्ताव देखकर माही बहुत ज्यादा इरिटेटेड लगने लगी। इस पॉइंट पर वो यश को झेल नहीं पा रही थी। विक्रम ओबेरॉय ने काफी पेशेंट लगते हुए एक प्लेट उठाई, फिर उसने जल्दी से उस एप्पल को खरगोश की शेप में कट कर लिया। फिर यश ने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखा और उसे कहा, अब मुझे अचानक एप्पल खाने का मन नहीं कर रहा। फिर उसने अपने रूम के आसपास देखते हुए कहा, मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। अब माही का पारा बढ़ रहा था और वो गुस्से में यश की तरफ घूर कर ऐसे देख रही थी जैसे कि यश उसके प्यारे विक्रम के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और इसीलिए माही इस पॉइंट पर यश को जान से मार देना चाहती थी। माही ने गुस्से में मन ही मन ने कहा, ब्लडी हेल, क्या इस आदमी को मर्द और औरत का फर्क नहीं पता? बेहतर होगा कि ये मेरे विक्रम से दूर रहे। सच तो ये था कि एक लंबे अरसे से माही को इस बात पर शक था कि यश मर्दों को पसंद किया करता था। आफ्टर ऑल, इंडिया लौटने से पहले वो हमेशा लड़कों के कपड़ों में ही रहती थी। अरे, इतने लंबे समय तक एक आदमी बने रहने की वजह से वो खुद ये बात भूल गई कि आखिर उसकी जेंडर क्या थी। माही को ये बात अच्छी तरह से याद थी कि जब यश ने माही को प्रपोज किया तो वो इतनी ज्यादा दंग रह गई कि उसने तुरंत जवाब देते हुए यश से कहा था कि वो गे नहीं थी। उसके बाद माही और मान्या हमेशा प्राइवेटली ये डिस्कस किया करते थे कि क्या वाकई में यश को मर्दों में इंटरेस्ट था या नहीं। जब यश ने माही के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे थोड़ा सा हंसने लगा और फिर उसने कहा, परेशान मत हो, मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर माही ने उसकी कही इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उसने यश से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों पर विश्वास किया जा सकता है? और तो और, हालांकि इस बार तुमने मेरी मदद की मगर तुम्हारा खून पानी की तरह बह रहा था और तुम किसी भी वक्त मर सकते थे। अगर विक्रम ने अपना खून देकर तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम इस वक्त इस तरह की बकवास नहीं करते, तो इसलिए अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। यश के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कि उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी। फिर उसने माही की तरफ देखकर कहा, ओबेरॉय परिवार का हेड होने के नाते और ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का बिग बॉस होने के नाते चाहे जो भी बात हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि पूरे ओबेरॉय खानदान में इस ब्लड टाइप का कोई इंसान नहीं होगा? मगर इसके बावजूद भी विक्रम ने खुद यहां आकर मुझे अपना खून दिया। माय डियर, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि यह विक्रम की एक छोटी सी ट्रिक है कि वो अपने दुश्मन का कॉन्फिडेंस जीत सके? आखिर तुम्हारे IQ लेवल को हो क्या गया है? जैसे ही यश ने अपनी बात पूरी की, विक्रम ओबेरॉय की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा दिखाई देने लगा। वो गुस्से में उस आदमी की तरफ घूर कर देख रहा था जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। इसके साथ ही साथ विक्रम की आंखों में एक अजीब सा डर भी दिखाई दे रहा था। जब माही ने यश की कही ये बात सुनी तो वो भी पूरी तरह से दंग रह गई और वो विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखने लगी। अगले ही पल माही उठकर खड़ी हुई और उसने विक्रम को कसकर गले लगाते हुए उससे कहा, बेबी, इसके लिए थैंक यू। माही के मन में विक्रम ओबेरॉय की कही हुई एक पुरानी बात याद आ गई जब विक्रम ने माही से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज तुम्हारे फैसले को अफेक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें सिर्फ मुझे कंसीडर करना होगा और ये एक बात कि क्या तुम मुझे वाकई में पसंद करती हो या नहीं। जब माही ने विक्रम की इस बात के बारे में सोचा तो वो समझ गई कि विक्रम ने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि माही के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं रहे, और सिर्फ इसी वजह से विक्रम ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और खुद अपना खून यश के शरीर में ट्रांसफ्यूज कर दिया ताकि वो माही की जान बचाने के लिए यश के एहसान की वजह से किसी तरह का दबाव महसूस ना करे। जब विक्रम ओबेरॉय ने माही की तरफ देखा तो उसने एक चैन की सांस ली और वो प्यार से माही की तरफ देखने लगा। माही और विक्रम के बीच कभी किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जब यश शिंदे ने विक्रम और माही को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि गुस्से में उसकी हालत दोबारा खराब हो रही थी। तभी अचानक रूम के एंट्रेंस पर टिम खांसने लगा और उसने अपने बॉस को गुस्से में मरने से बचा लिया। टिम ने माही की तरफ देखकर उसे कहा, माही, तुम दोनों अभी यहां से जा सकते हो, मैं यहां रहकर बॉस का ध्यान रखूंगा। टिम की कही ये बात सुनकर माही ने अपना सर खुजाते हुए उससे कहा,
ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे मदद के लिए यही रुकना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। टिम ने एक गहरी सांस लेकर माही की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को साथ में यहाँ देखकर बॉस की हालत और खराब हो सकती है। टिम की कही ये बात सुनकर माही को इस बात का एहसास हुआ कि उसने एक्सीडेंटली अपने प्यारे विक्रम के साथ पब्लिकली अपना अफेक्शन डिस्प्ले कर लिया था और इस बात से यश बेहद गुस्से में लग रहा था। तो इसीलिए माही ने तुरंत टिम से कहा, अब ठीक है टिम भैया, अगर आपको किसी चीज में मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। इतना कहकर माही और विक्रम वहां से चले गए। माही और विक्रम के वहां से जाने के बाद बेड पर लेटा हुआ यश काफी परेशान लग रहा था। फिर टिम ने अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए अपने बॉस से कहा, बॉस मास्टर आने वाले हैं और वो अभी रास्ते में ही होंगे। इस बात से यश और ज्यादा परेशान लगने लगा और फिर उसने कहा, ये तो गड़बड़ हो गई। उसके कुछ ही देर बाद कमरे के बाहर से कई सारे लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी और दरवाजे को बाहर से खोला गया। कमरे के एंट्रेंस से एक मिडिल एज्ड आदमी ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट पहने अंदर आया। पवन अंकल ने यश शिंदे को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा और वो काफी अपसेट लगने लगे। फिर उन्होंने यश की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? फिर उन्होंने टिम की तरफ देखा और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन काला पड़ने लगा और उन्होंने टिम से कहा, मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि इस पर नजर रखा करो। टिम ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए अपनी नजरें झुकाकर पवन जी से कहा, जी ये मेरी गलती है। हालांकि सच्चाई तो ये थी कि टिम ने यश पर नजर इसीलिए नहीं रखी क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो यश पर नजर रखता तब भी वो किसी तरह उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। पवन जी यश का बर्ताव अच्छी तरह से समझते थे तो इसीलिए उन्हें सिचुएशन का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया और फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर खुद को काम डाउन करते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ? टिम ने ध्यान से पवन जी को पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया और फिर उसने उनसे कहा, शहर के पूरे ब्लड मार्केट के ब्लड बैंक में बॉस का ब्लड टाइप ओबेरॉय परिवार के कंट्रोल में है। मुझे लगा कि इस बार वो लोग इस बात का फायदा उठाकर बॉस की जान ले लेंगे, मगर अनएक्सपेक्टेडली विक्रम ओबेरॉय खुद बॉस के शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने आया था। बेड पर लेटे जब यश शिंदे ने यह बात सुनी तो वो इरिटेटेड लगने लगा क्योंकि उसे विक्रम और उसकी हर चीज से नफरत थी। पवन जी ने अपना बर्ताव बदलते हुए यश की तरफ देखकर कहा, दरअसल यश ऐसा नहीं है कि वो लड़की माही के अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बात बस इतनी है कि वो विक्रम को देखकर बहक गई है और विक्रम ओबेरॉय भी एक ऐसा इंसान है जो अपने खेल का कमाल दिखा सकता है, जिसकी वजह से माही जितनी समझ की लड़की विक्रम के प्यार के जाल में फंस चुकी है। तुम तो जानते ही हो ना कि आजकल की लड़कियां विक्रम ओबेरॉय जैसे लड़कों को देखकर उनके जाल में आसानी से फंस जाती हैं। अपनी ये बात पूरी करने के बाद पवन जी ने अचानक टॉपिक बदलते हुए कहा, और अगर एक दिन तुमने किसी तरह उस इंसान को रिप्लेस करके उसका सब कुछ अपने नाम कर लिया तब तुम देखना कि उस दिन उस विक्रम के पास कुछ नहीं बचेगा, और फिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो औरत तब भी उसके साथ रहेगी? वहीं दूसरी तरफ अगर तुम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहो तो तुमसे और भी ज्यादा कुछ छीन लिया जाएगा, यहां तक कि माही भी। पवन जी ने अपनी बात इस तरह कही और फिर वो टिम की तरफ घूरकर देखने के बाद कमरे से बाहर निकल गए। टिम पवन जी का इशारा समझ गया और वो उन्हें फॉलो करते हुए बाहर चला गया। टिम की आंखों में थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा था, मगर इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे पवन जी से बात करने बाहर जाना ही पड़ा। क्योंकि टिम ने पूरे फ्लोर की पेमेंट कर ली थी तो इसीलिए वहां उनके अलावा और कोई नहीं था। कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकले तब पवन जी ने गुस्से में टिम की तरफ देखकर उसे कहा, टिम आज तुमने वाकई में मुझे बहुत निराश किया है। पवन जी की कही ये बात सुनकर टिम तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसने अपना सर झुकाकर कहा, अमन के स्किल्स दिन ब दिन काफी इंप्रूव होते जा रहे हैं। पवन जी ने फिर निराश लगते हुए टिम से पूछा, अब ये मत कहना कि तुम उसका मुकाबला करने के लायक नहीं रहे। मगर टिम ने बिना हिचकिचाए जवाब देते हुए कहा, जी ये बात बिल्कुल सच है। पवन जी टिम की तरफ निराश लगते हुए देखने लगे। फिर जब उन्होंने टिम के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा तो वो समझ गए कि टिम जानबूझकर उनके साथ ऐसा खेल खेल रहा था। कुछ देर के बाद पवन जी ने फाइनली कहा, कोई बात नहीं मैं खुद वहां जाऊंगा और उस बदमाश को खत्म कर दूंगा। पवन जी की कही ये बात सुनकर टिम के हाथ कांपने लगे और फिर उसने पवन जी को पुकारते हुए कहा, मगर बॉस। तभी अचानक इससे पहले कि टिम कुछ कह पाता कॉरिडोर पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी जो कि उस शांत कॉरिडोर में काफी लाउड एंड क्लियरली सुनाई दे रही थी। पैरों की आवाज सुनने के बाद टिम ने सबकॉन्शियसली कॉरिडोर के एंट्रेंस की तरफ देखा और जब उसने देखा कि वहां कौन था तो टिम के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया और उसने उस इंसान को पुकारते हुए कहा, अमन तुम यहां। कॉरिडोर में जो माहौल बना हुआ था वो अचानक और खतरनाक लगने लगा और पवन जी ने गुस्से में अपने एक्स स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, अमन मेरे सामने इस तरह आने की तुमने हिम्मत कैसे की? मगर अमन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और फिर उसने मुस्कुराकर पवन जी से कहा, क्या बात है बड़े दिनों बाद मिले हो, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने आया था कि आपके हाल कैसे हैं मास्टर जी। अमन की कही ये बात सुनने के बाद पवन जी अमन की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे कि वो कभी भी उसकी जान ले सकते थे।
फिर उन्होंने अमन से कहा, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? पवन जी की कही ये बात सुनकर अमन जोर से हंसने लगा और फिर उसने टिम की तरफ देखा जो ऑलरेडी बहुत परेशान लग रहा था और उसने टिम से कहा, टिम ये देखो अब तो मैं जल्दी मरने वाला हूँ, तो क्या मरने से पहले तुम मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा सकते हो प्लीज? अमन का ऐसा बर्ताव देखकर टिम पूरी तरह से दंग रह गया। फिर जैसे ही अमन ने अपनी बात पूरी की तभी अचानक पवन जी बिना हिचकिचाए अमन को अटैक करने आगे बढ़े। टिम थोड़ी दूर खड़े होकर उन दोनों की इंटेंस फाइटिंग देख रहा था। टिम ने लाचार लगते हुए मन ही मन में कहा, एक तरफ मेरा वो भाई है जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है, वहीं दूसरी तरफ मेरे गुरुजी हैं जिन्हें मैं अपना पिता मानता हूं और जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हालांकि इस पॉइंट पर टिम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उसका दिल बुरी तरह से दुख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसे सपोर्ट करे। टिम को इस बात का ज्यादा डर था कि अमन इस तरह अपने गुरुजी के खिलाफ जा रहा था। टिम ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ऐसे में वो बिल्कुल जीत नहीं पाएगा। अमन अपने ही गुरुजी के हाथों पनिश हो रहा था और कई बार ऐसा भी हुआ कि अमन पवन जी के हाथों से मरते मरते बच गया और टिम ये सब खड़े खड़े देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। जैसे कि उम्मीद थी, अमन ने 10th अटैक के बाद भी अपना वार नहीं चलाया, बल्कि वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करता रहा। उस पल में टिम के चेहरे का एक्सप्रेशन बदला और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ करने वाला था। अमन की बॉडी किसी जिमनास्ट की जितनी फ्लेक्सिबल थी और वो बार बार पवन जी के अटैक को अवॉइड करता रहा। उसके बाद अमन पवन जी से 3 कदमों की दूरी पर खड़ा हो गया और फिर उसने मुस्कुराकर पवन जी से कहा, गुरुजी आपने मुझे 10 बार अटैक करने की कोशिश कर ली, अब इसके बाद से आप ध्यान देना शुरू कर दो। पवन जी ने हंसकर अमन की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम मुझे घमंड दिखाओगे। इतना कहने के बाद पवन जी और ज्यादा अग्रेसिवली अटैक करने के लिए अमन की तरफ बढ़े, मगर इस बार अमन ने पहले की तरह सिर्फ डिफेंसिव बर्ताव नहीं किया, उसने पवन जी के हर एक अटैक पर काउंटर अटैक किया। हालांकि अमन ने हर एक चीज अपने गुरु पवन जी से ही सीखी थी और पवन जी भी अमन को अच्छी तरह से जानते थे, मगर अमन भी अपने गुरु के बारे में कुछ कम नहीं जानता था। वो उनके हर एक मूव और हर एक स्टाइल को अच्छी तरह से समझता था। जब टिम ने पवन जी से ये बात कही कि अमन की फाइटिंग स्किल्स अब पहले से काफी हद तक इम्प्रूव हो चुके थे, तब वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। सिर्फ कुछ ही वक्त में अमन की फाइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी कि पवन जी भी हैरान हो गए थे। वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहे और बार बार एक दूसरे को अटैक करने के बाद फाइनली अमन अपने गुरु जी से आगे निकल गया, क्योंकि वो उनसे जवान था और उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना था। अंत में अमन ने पवन जी का गला पकड़ लिया और तभी अचानक टिम बीच में आ गया और उसने अमन के किलिंग मूव को तुरंत ब्लॉक कर दिया। अमन के इस रूप को देखकर पवन जी पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ही स्टूडेंट से हार गए। टिम के बीच में आने के बाद अमन ने लड़ाई कंटिन्यू नहीं की। वो गुस्से में पवन जी की तरफ देखने लगा और फिर उसने पवन जी से कहा, गुरुजी इस बार मैं सिर्फ आपको इसलिए जाने दे रहा हूं क्योंकि मैं इस बात का कर्ज चुकाना चाहता हूं कि आपने मुझे बड़ा करने के लिए इतना कुछ किया, मगर अगली बार मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद अमन पीछे मुड़ा और वो वहां से चला गया। पवन जी काफी गुस्से में लग रहे थे और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, कुत्ता कमीना, इसकी इतनी हिम्मत। पवन जी ने मन ही मन में कहा, हालांकि मैं ये बात हमेशा से जानता था कि अमन वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, मगर वो बहुत ज्यादा आलसी भी था। अगर वो प्रैक्टिस के दौरान टिम जितने आधे एफर्ट्स भी दिखाता तो वो जरूर उससे भी बहुत ज्यादा आगे निकल सकता था। हालांकि मुझे इस बात का एहसास पहले से ही था, मगर उसका इतना डरावना ग्रोथ देखना मेरे लिए काफी शॉकिंग है, और सिर्फ यही वजह है कि मैं जल्द से जल्द इस अमन को अपने रास्ते से हटा देना चाहता हूँ। मगर सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। टिम अमन की जान इसीलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि विक्रम ओबेरॉय किसी अंधेरे कोने से हमेशा किसी न किसी तरह से इंटरफेयर करता रहा। हालांकि पवन जी ने कई और लोगों को ये काम करने भेजा, मगर सबके सब अमन के सामने हार गए। मगर इस वक्त अमन को अपने रास्ते से हटाने से ज्यादा जरूरी पवन जी के लिए ओबेरॉय परिवार था। वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ ऑफिस में प्रेम ओबेरॉय पूरा मैटर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने भाई के पास रिपोर्ट करने गया और उसने अपने भाई से कहा, भैया मैंने पता लगा लिया है, सेट पर कैमरा गिरना वाकई में एक एक्सीडेंट था। मगर विक्रम ओबेरॉय अपने भाई प्रेम ओबेरॉय को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, तो इसीलिए उसने प्रेम से पूछा, और वीडियो? ये बात जाहिर थी कि उस वक्त सीन की शूटिंग के दौरान एक से ज्यादा कैमरा इस्तेमाल हो रहे थे और जो कुछ भी हुआ उसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर हुई होगी। विक्रम ये बात अच्छी तरह से जानता था कि प्रेम ने जरूर वो सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली होंगी। विक्रम के इस सवाल से प्रेम थोड़ा परेशान लगने लगा और फिर उसने हिचकिचाते हुए अपने भाई से कहा, भैया मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, किसी के इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपको कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम की पूरी बात सुनने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस प्रेम ओबेरॉय की तरफ देखने लगा। जब प्रेम ने देखा कि उसका भाई उसकी तरफ घूर कर देख रहा था तो वो घबरा गया और फिर उसने ध्यान से अपने शब्द चुनते हुए पूछा, भैया क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है? विक्रम ओबेरॉय ये बात अच्छी तरह से समझ गया कि क्योंकि उसका भाई प्रेम ओबेरॉय बार बार टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई होगी।
जब प्रेम ओबेरॉय ने विक्रम ओबेरॉय को वीडियोस दिखाने से मना किया तो फिर विक्रम ओबेरॉय ने उससे और कोई सवाल नहीं पूछे। वो बस चुपचाप अपने टेबल पर रखे कंप्यूटर की तरफ देखने लगा। इस पॉइंट पर प्रेम ओबेरॉय को यह लगने लगा कि उसने सिचुएशन संभाल ली, मगर फिर अचानक उसे विक्रम ओबेरॉय के कंप्यूटर से कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी एक्टर की लग रही थी जो अपना डायलॉग बोल रहा था। अब हमें इस चुड़ैल को सही और गलत का फर्क नहीं समझाना चाहिए, चलो इसे खत्म कर देते हैं। फिर बहुत सारे क्रू मेंबर्स की आवाजें सुनाई दी। तभी अचानक माही के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये सब सुनकर प्रेम ओबेरॉय की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर जब वो विक्रम ओबेरॉय के कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने गया, उसने वो वीडियो देखा जो इस वक्त उसके इनबॉक्स में होना चाहिए था, मगर अब विक्रम के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्ले हो रहा था। प्रेम ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए अपने भाई की तरफ देखकर उससे पूछा, अरे आपने मेरा कंप्यूटर हैक कर दिया, भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इस पॉइंट पर विक्रम प्रेम ओबेरॉय की तरफ घूर कर देखने लगा और उसके देखने का मतलब ये था कि दरअसल उसे प्रेम के कंप्यूटर को हैक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना कहने के बाद मिसेस ओबेरॉय ने एक और तमाचा मिसेस रंधावा के चेहरे पर लगाया और कहा, यह तमाचा माही की तरफ से। कपिल और मैंने पूरे रंधावा परिवार को एक लंबे अरसे से अपना दोस्त माना है, मगर हमारी दोस्ती का तुम लोगों ने यह सिला दिया। हमें तुम्हारे परिवार के संस्कारों पर पूरा भरोसा था और इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश काफी अच्छे तरीके से की है। हमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि विक्रम किसी और से